हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में जो कि एमबी पब्लिकेशन द्वारा प्रिंट की गई है। इसके राइटर हैं अजय कुमार सिंह। इस बुक की खासियत है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बुक की यह खासियत है कि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसे बड़ी ही आसानी से इजली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। हाँ, यह बुक एक ऐसी बुक है जो कि इंग्लिश के लिए बेस्ट है। अभी तक मार्केट में इस बुक के जैसी कोई बुक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस बुक के बारे में जो भी क्वालिटी है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। तो इस बुक को खोलने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि जो कि एसएससी द्वारा 1 अप्रैल को दी गई है, ओनली एसएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बेसिकली बताया गया है कि जो कोरोना के कारण एसएससी सीएचएसएल के और सीजीएल के टायर सेकंड और भी जो एसएससी के अदर एग्जाम्स हैं जो कि पोस्टपोन किए गए थे, वो उसका कैलेंडर दिया गया है, जो उसका कैलेंडर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, तो ये बुक का प्रीफेस है, इसमें आप देख सकते हैं। इस बुक की जो जो क्वालिटी है वो हम आपको जरूर बताएंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, इस बुक जो कि ये मेरे पास बुक है, ये बुक है 2013 से 2017 तक के सेट की और इसका अपडेटेड वर्जन मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक तो जरूर पढ़नी है यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें शायद इसमें 155 सेट्स हैं, उसमें शायद 160 या 161 सेट्स हैं। मैंने उसको भी पढ़ा है लेकिन वो अभी मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं इस पुरानी बुक से ही वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ स्टडी सेक्शन दिया हुआ है, इसको आप पास से देख सकते हैं। इसमें 2013 के 2 सेट दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, ग्रेजुएट टायर लेवल फर्स्ट के काफ़ी दिए हुए हैं, सीपीओ के पीटी लेवल के, और जो 2013 में सीजीएल के दोबारा एग्जाम हुए थे उसको सेट भी इसमें दिए हुए हैं। अब देखते हैं 2014 के भी दिए हुए हैं इसमें, और 2014 के बाद 2015 आप देख सकते हैं, 2016 में भी, क्योंकि 2015 तक ऑफलाइन पेपर होते थे और 2016 से जब से ऑनलाइन पेपर हुए हैं तब से पेपर सेट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, वो आपको पता ही है क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 2017 के भी इसमें इसी तरह के कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस बुक में इस बुक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जैसे आप मान के चलेंगे जैसे आपके एग्जाम्स में सेट आते हैं सेम वैसे जैसे के वैसे। अब इसमें चलिए बात करते हैं सेल्फ स्टडी सेक्शन के। सेल्फ स्टडी सेक्शन में आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने बर्फ चैप्टर को दिया है। इसमें बेसिकली बर्फ में कंसेप्ट बताया है, इसमें टेंस को बताया है, टेंस में आप देख सकते हैं टेंस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट है, यह है आपके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन इस बुक में जो मुझे थोड़ी कमी दिखी वह इसी में दिखी कि आपके ग्रामर में जो उन्होंने ग्रामर दी है तो वो बहुत ही कम शब्दों में समझाई, बहुत ही ब्रीफली समझाई है। लेकिन हाँ, ये इसका एक फ़ायदा भी है, यदि आप एग्जाम, मान के चलिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आज ही आपका एग्जाम है, कल जिस सुबह आपका एग्जाम है और आज रात को आपका मन नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा होता है बेसिकली जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन एग्जाम है तो आज मन आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगे, यदि मन नहीं लग रहा तो आप इन एक कंसेप्ट्स को, ग्रामर के इन रूल्स को देख सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसमें वॉइस को भी बताया गया है, सिंटैक्स के बारे में भी, प्रोनाउन आप देख सकते हैं प्रोनाउन भी बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का बताया गया है, एडजेक्टिव बताया गया है। इसमें काफ़ी ग्रामर के जो भी जो पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सभी बताए गए हैं और जो अदर हैं उनको भी बताया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंजक्शन, कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद नाउन, नाउन के बाद वॉइस, वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, काफ़ी ब्रीफली है। नरेशन जो कि आप जानते ही हैं, सी जी एल यदि मेंस की बात करें तो अराउंड 27 नंबर्स के आते हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इस बुक्स में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हाँ, यह एक ऐसा पार्ट है जिसमें यदि आपने इस बुक्स के पूरे वन वर्ड याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपके 80-90% वन वर्ड यूं ही याद हो जाएंगे, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और किसी अदर बुक से पढ़ने की। यदि हाँ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगस्त में शायद 17 अगस्त से
एसएससी के नोटिस द्वारा सीएचएसएल का एग्जाम आ गया है, तो आप उसके लिए चाहें तो आप इसकी बुक, फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपसे बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और यदि आप इसको पढ़ भी चुके हैं एक बार, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार नहीं, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक इस बुक को छोड़े ना, क्योंकि यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए जानते हैं और इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है इस बुक में। और आप देख सकते हैं स्पेशल वर्ड्स भी दिए हुए जो कि एसएससी द्वारा साइड, जैसे पैट्रिसाइड, किलिंग वंस फादर, जो कि एसएससी के फेवरेट वर्ड होते हैं, जो आजकल तो कम ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन यदि आप 15-16 की बात करें तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। और यहाँ पर फोबिया है, मैनिया है, स्टडीज के बारे में बताया गया है कि एक्टिवोलॉजी को क्या कहते हैं, कॉज ऑफ डिसीज। और इसके बाद आप स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई किसी का प्रोफेशन है जिसमें स्पेशलिस्ट है उसके बारे में बताया गया, आप देख सकते हैं। फिलोसफी स्टडी, इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें आपके जो बुकेफ सेक्शन है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली यह दिया तो गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर की खासियत यह है कि यह आपको पूरी तरह से एसएससी का पर्पस समझा देता है कि एसएससी इंग्लिश पूछता क्यों है। वो इंग्लिश इसलिए नहीं पूछता कि उसको, आप मान के चलिए आपकी जॉब लग गई तो आपसे वह नहीं पूछेगा कि आपसे वह बुक ऐप बैठ जो आवा है आपको सामने बिठाए और आपसे कहेगा कि आप पहले इस बुक ऐप का अर्थ बता, नहीं। इस तो यह तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और आपके नॉलेज के लिए पूछी जाती है। और इसके बाद करें तो एनिमल वर्ल्ड बर्ड भी जो जब कब पूछे जाते, सॉरी इसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है क्योंकि वर्ड होता है इसमें जो कि बेसिकली एनिमल से भी काफ़ी मीनिंग पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, काउ के बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। और ईडियम्स आप जानते हैं एसएससी के फेवरेट्स होते हैं, ईडियम्स भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से दिए हैं। अराउंड इसमें 600-700 के समथिंग दिए हुए, मैंने लगभग पूरे पढ़े हुए हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसकी एक भी बुकैप्स ना छोड़ें आप, क्योंकि यह बुकैप वह है, यदि आप सच में क्लियर एसएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आप उसका आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए आप फ्रेजल वर्ब्स जो कि ए बी एसएससी द्वारा काफ़ी पूछी जाती हैं। और इसमें प्रोवर्ब्स दी गए, प्रोवर्ब्स कभी कभी एसएससी शायद अनसीन पैसेज में पूछ लेता है। अब आते हैं, चलिए एक और मेन बात रह गई जो कि प्रीवियस एस क्वेश्चन पेपर देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना। फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंस का दिया गया है पेपर 2013 का, आप इसको देख सकते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल इसमें दिखा देता हूँ मैं कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस का यह सेट है। तो इसमें आपको कैसे करना है, आपको अब आप जानते हैं कि मेंस में आपको 2 घंटे मिलते हैं, 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको एक टाइमर लगा लेना है 1 घंटे का, और उसमें आपको इस सेट को रखना है बुक को। और आपको एक फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे इसको रखा, आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको रखा, आप यहां पर डाल लेंगे इसमें 1, 2, 3 ऐसे डाल लेंगे, और आप यहां पर राइट रॉन्ग आप यहां पर राइट राइट लगाते जाएंगे। जैसे आप टेस्ट देंगे आपके 1 घंटा हो जाएगा, तो आप उसको बंद करके फिर इसको, यहां पर आंसर शीट दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है। इससे आपको मिलाना है कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं। ओके गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह के पूरे सेट दिए हुए हैं आपको, कोई भी सेट ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि बगैर मन किए, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अब एफर्ट डालना है, क्योंकि अब आपके पास अभी समझ लीजिए 2 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 जून आपके पास जून जुलाई और आधा अगस्त, आपके पास लगभग 60-70 दिन के लगभग आप मान लीजिए, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन आप अभी भी इसमें भी यदि आपकी तैयारी कमज़ोर है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों को अप्रिशिएट करती है। ओके बाय बाय, लव यू गाइज।